सर पर पगड़ी पहनाइए जी। क्या करूं, कैसे इन्फॉर्म करूं उनको, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। चुप नहीं बैठ सकती, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ लाइए, और शगुन और भेंट तो देना है लड़की वाला की तरफ से। दे दीजिए। डिजाइनर से बनवाया था। ये तुम क्या कह रही हो सुरेखा? ऐसा कैसे हो सकता? मुझे पूरा यकीन है भाई साहब, गलती की कोई बात ही नहीं है। आप उस सूट में टैग देख लीजिए, मैंने तो खुद सेलेक्ट किया था ना ये सूट। डिलीवर कब हुआ ये मुझे पता नहीं है बस। पर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं पूछूं किसी से? नहीं अभी रहने दो, बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। अरे मैम, ऐसे कैसे अंदर जाने दे? हैं? फोन आप। मैं नायरा हूँ, आपकी कार्तिक सर की। आप कोई भी हो, अंदर फंक्शन चालू है, अंदर जाना मना है किसी को भी। आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं मतलब नहीं। ओके, मैं जा रही हूँ। We'll be right back.
चेहरा बताओगी? खुश रहो। तुम्हें कैसे पता चला कि खुश? मुझे मिश्ती नहीं, वीडियो कॉल किया था तिलक की रस्म दिखाने के लिए। I'm sorry दादी, मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन कुछ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, इसलिए मैंने सबके फोन पे फोन भी किया पर किसी ने नहीं उठाया। मैंने लैंडलाइन पे भी कॉल किया था लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। मुझे बहुत चिंता हो रही थी, मैं इसलिए भाग के आ गए। तुमने ठीक किया नायरा, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर आज तुम नहीं आती तो पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या हो जाता। थैंक यू नायरा। दादी जी, मैं जानता हूं कि आप इन सब चीजों में बहुत मानती हैं, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि हाँ दादी, नायरा ने यहाँ हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया। उसने कभी खुद की परवाह नहीं की, भागी हुई आई यहाँ पर कुछ को बचाने के लिए। हाँ किट्टू बेटा, वो सब जानते हैं हम और उसके लिए इसके आभारी भी हैं। लेकिन ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ। ना हमारा कुछ मुश्किल में पड़ता और ना हमारी होने वाली बहू के कदम इस तरह इस घर में पड़ते। अगर नायरा यहाँ तक आ ही गई थी तो
गार्ड से बोल के अंदर किसी के लिए मैसेज भेज सकती थी या फिर हम में से किसी को बाहर बुला लेती? इमरजेंसी थी दादी। दादी वो क्या सोचती? हाँ बेटा, वो हम सब समझते हैं, लेकिन जो हम कह रहे वो भी गलत नहीं है और ना ही हमारा डर बेबुनियाद है। हम ये सब कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं, आप सबके लिए, इस घर के लिए और अपने बच्चों के लिए। लेकिन हमें और हमारी भावनाओं को आजकल कौन समझता है इस घर में? दादी आप क्या? दादी हम समझते हैं ना दादी, आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। बताइए क्या प्रायश्चित करें हम? मुझे पता है आपके पास हर चीज का उपाय होता है, तो आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। क्यों? ठीक है, हम पूछ के बताएंगे जल्दी। ठीक है, तो जो आप बताएंगे हम वो करने के लिए रेडी रहेंगे। वो देखिए घर की लक्ष्मी के पैरों के निशान। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।